गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस क्लास फर्स्ट टू डे इज योर हिंदी क्लास एंड आर टॉपिक इज चैप्टर नंबर सिक्स योर हिंदी बुक चैप्टर नंबर सिक्स के आज हम रीडिंग करेंगे ठीक है क्या है चैप्टर का नेम नदी की चिट्ठी ठीक है आत्मकथा है ये यानी नदी अपने बारे में बताएगी ठीक है यानी हम नदी जो है वो चिट्ठी के जरिए हमें क्या बताना चाहती है वो हम पढ़ेंगे इस पार्ट में हमारे आसपास बहुत कुछ है जो हम हमसे जुड़ा हुआ है ठीक है ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास जो हमसे जुड़ी हुई हैं उन्हीं में से एक है नदी नदी हमसे कुछ कहना चाहती है आइए जाने ठीक है तो अब देखिए हम क्या देखते हैं कि नदी हमसे क्या कहना चाहती है मैं नदी हूँ बहते रहना मेरी आदत है चाहे दिन हो या रात यानी नदी तो दिन रात बहती रहती है ठीक है तो अपने बारे में क्या बता रही है कि मैं दिन रात बहती रहती हुई यह मेरी आदत है लोग मुझे देख कर खुश होते हैं और मैं उन्हें देख कर होता है ना हम नदी को देख कर का पानी बहता हुआ होता है नदी के पास हम जाना चाहते हैं उसे देखना चाहते हैं क्योंकि हम उसे देख कर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ठीक है ठीके? और नदी के लिए मैं भी लोगों को देख कर खुश होती हूँ भारत में बहने वाली नदियों को बहुत आदर मिलता है उन्हें देवी तक माना जाता है और उनकी पूजा भी होती है जैसे गंगा यमुना नदी को लोग बहुत आदर देते हैं ठीक है हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि हमारी जो पवित्र है कौन है गंगा पवित्र नदी कौन सी है हमारी गंगा तो भारत में लोगों को क्या कहते हैं देवी कहते हैं नदियों को उसकी पूजा करते हैं वहाँ पे पूजाएं होती हैं मेरे अंदर कुछ भी डालो मैं उसे बहाकर दूर ले जाती हूँ ऐसा ही होता है आप नदी में कुछ भी डाल देते हैं उसका पानी तो बहता हुआ है वो बहता रहता है तो बहते बहते सारा सामान जो भी हम डालेंगे वो सब कहाँ हो जाएगा बहता हुआ उसके साथ चला जाएगा मेरे किनारे पर बैठ लोग पिकनिक मनाते हैं नहाते हैं मेरे भीतर नौका भी चलाते हैं ठीक है ज़्यादा सैर सपाटे के लिए कहाँ जाते हैं नदियों नदियों के पास जाते हैं नदियों के किनारे जाकर क्या करते हैं पिकनिक मनाते हैं है ना और नदी के पानी में नहाते भी हैं नाव चलाने के लिए मतलब जाते नाव भी चलाते हैं ताकि और ज़्यादा आनंद आए मेरी लहरों से खेलते हुए उन्हें नौक, नौका में सवारी करना बहुत भाता है ठीक है नाव में सवारी क्यों करते हैं ताकि पानी से खेल सके नदी के मुझे भी नौका चालन से गुदगुदी सी होती है नदी को क्या होता है जब उसके अंदर नाव चलती है तो उसे क्या होती है गुदगुदी होती है रात को जब चांद चमकता है तो उसकी परछाई मेरे भीतर डोलती है होता है न जब पानी में क्या दिखाई देता है चांद की परछाई दिखाई देती है तो चांद के बारे में बता रही है कि चमकते हुए चांद की परछाई भी किस में दिखाई देती है हमें तो देखिए पानी में तारे भी झिलमिल करते हैं करते हुए उसके साथ दिखते हैं ठीक है और साथ में तारे की परछाई भी दिखती है सारे तारों की तब मैं बहुत सुंदर लगती हूँ मुझे अपने पर गर्व होता है ठीक है कह रही है उस वक्त तो नदी का पानी नदी जो है इतनी खूबसूरत लगती है जब उसके अंदर चांद और तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं तो उस वक्त नदी को अपने ऊपर गर्व महसूस होता है कुछ स्थानों पर खेती के लिए भी मेरा पानी उपयोग में लाया जाता है यह भी एक सेवा कार्य है ठीक है कैसा कार्य कार्यपत्र सेवा कार्य है क्योंकि नदी के पानी से क्या होता है सिंचाई होती है ठीक है जो खेती होती है उसमें पानी जाता है सिंचाई होती है किसके नदी के पानी से मेरे पानी से अन्न उपजी और बच्चे उसे खाएं तो मेरा मन खुश ही होगा ना यानी क्या कह रही है जब उसका पानी इतने बड़े काम आ रहा है किस में अनुगाने उगाने में है ना खेती किस में होती है खेती का मतलब यही अन उगता है वहाँ पर तो जो अनुगाने उगाने में अगर मेरा पानी क्या है काम आए बच्चे मेरा अन जो है वो वो मेरा कौन खाए बच्चे खाते हैं अन यानी हम सभी खाते हैं ठीक है तो नदी क्या कह रही है मुझे तो खुशी होती है इस बात पर पर कुछ लोग मेरी शराबत का गलत अर्थ लगाते हैं और मेरे भीतर कूड़ा करकट आदि बहाते हैं ये बिल्कुल सही बात है नदियों में देखिए कितना कूड़ा करकट होता है ठीक है तो नदी अपने अप बारे में बता रही है कि क्या होता है कि मेरे अंदर क्या करते थे कूड़ा करकट डालते हैं लोग तब मुझे बड़ा कष्ट होता है मेरा स्वच्छ जल तब धुंधला और बदसूरत हो जाता है ठीक है तो नदी क्या कह रही है कि जब कूड़ा करकट डालोगे तो स्वच्छ जल है बिल्कुल साफ़ है निर्मल है वो जल कैसा हो जाता है धुंधला भी हो जाता है और बदसूरत नदी की खूबसूरती भी चली जाती है नदी नदी ही नहीं रखती है है ना जब उसमें कूड़ा होता है तो मेरे भीतर रहने वाली मछलियाँ भी रोगी हो जाती हैं अब नदी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं है ना जो पानी के अंदर रहते हैं तो मछलियाँ हैं उनमें से तो मछलियों को यहाँ पर उन्होंने बताया है क्या कि वो भी कैसे हो जाती है बीमार हो जाती है रोगी हो जाती हैं यदि आप किसी को ऐसा करते देखें तो उसे समझाइए ठीक है अगर आप देख रहे हैं किसी को कूड़ा डालते हुए तो आप उसे समझाओ प्रयाय पिकनिक मनाने आए लोग मेरे अंदर खाली प्लास्टिक की बोतलें और चिप्स आदि के रैपर फेंक देते हैं यह सब गलत है आशा है आप तो ऐसा नहीं करते होंगे ठीक है यानी जो ये चिट्ठियाँ पढ़ रहा है जो भी हम सब तो नदी का कह रही है कि आशा है आप नहीं करते होंगे ठीक है यानी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कूड़ा करकट जो है वो नदी के पानी के अंदर नहीं फेंकना चाहिए नदी में क्या कहीं पर भी नहीं फेंकना चाहिए या तो नदी अपने बारे में बता रही है ठीक है यानी पर्यावरण को हमें कैसे रखना चाहिए साफ और स्वच्छ रखना चाहिए कहीं पर भी कूड़ा वगैरह ना फैलाओ ज़्यादातर हम पिकनिक पर जाते हैं या फिर कहीं पर भी घूमने जाते हैं तो क्या करते हैं कि अपने जो भी साथ हमारे रैपर होते हैं है ना जो भी हम चीज़ें खाने के लिए ले लेके जाते हैं या फिर पानी की बॉटल लेके जाते हैं खाते हैं पीते हैं और वहीं पर वो चीज़ फेंक देते हैं इसी तरह जब पिकनिक में नदी के पास जाएंगे तो नदी में वो सारा कूड़ा डाल देते हैं तो अगर ना तो आप ऐसा करें ना किसी को ऐसा करने दें तो अब क्या कह रही है देखिए कुछ त्यौहारों पर शाम के समय स्त्रियां या अन्य भक्तजन मेरे भीतर जलते दिए बहाते हैं देखिए यहाँ है पिक्चर भी दिखाई दे रहा है आपको क्योंकि पूजा अर्चना होती है है ना नदियों में तो कह रहा है कि त्यौहार में शाम के समय क्या करते हैं कि दिए भी जला देते हैं इससे मेरा सारा पानी जगमगा उठता है तब मैं बिल्कुल दुल्हन के समान लगती हूँ है ना ये जलते हुए जो दिए हैं जब वो पानी में बहाए जाएंगे उनकी चमक उनकी रोशनी इतनी खूबसूरत होती है कि क्या कह रही है नदी मैं कैसी लगती हूँ दुल्हन लगती हूँ बिल्कुल मैं हमेशा साफ़ सुंदर और उपयोगी बने रहना चाहती हूँ आशा है आप मेरी यह इच्छा पूरी करने में सहयोग देंगे धन्यवाद आपकी अपनी नदी ठीक है तो नदी ने किस तरह अपनी आत्मकथा सुनाई किस तरह अपने बारे में बताया कि वो क्या चाहती है ठीक है क्या चाहती है वो बिल्कुल कैसे रहना चाहती है साफ़ सुंदर और उपयोगी बने रहना चाहती है उपयोगी का मतलब जो दूसरों के काम आए हमारे तो काम आती है नदी ठीक है तो वो कह रही है कि मैं ऐसा रहना चाहती हूँ और उसमें किसकी मदद चाहिए उसे हम सभी की तो बच्चों देखिए इस पार्ट से हमने कितना कुछ सीखा कि हम पर्यावरण को क्या बनाए स्वच्छ बनाएं साफ़ बनाए ठीक है तो आप सब भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें अपने आसपास की साफ सफाई रखनी चाहिए जहाँ पर भी आप जाएं ठीक है यानी अपने घर की ही सफाई रखें जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर हमें क्या करना है बिल्कुल कूड़ा वगैरह नहीं फेंकना है अपने साथ जो भी सामान लेके जाएंगे वो इधर उधर नहीं बिखेरेंगे ठीक है तो इस बात का ध्यान रखेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकेंगे ठीक है यानी पर्यावरण को गंदा करने से रोकेंगे ठीक है तो ये नदी की कहानी थी ये चैप्टर कंप्लीट हुआ आपको इसके शब्द करने हैं ठीक है इसके शब्द शब्द अर्द रखे हैं ये सारे कंप्लीट करने हैं कॉपी पर अपनी नोटबुक पर और साथ ही मैं डिक्टेशन वर्ड्स दूंगी आपको वो भी आपको कंप्लीट करने हैं ओके थैंक यू हैव अ गुड डे